गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग लाइट के बारे में 5 अलग अलग थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। बेटा एनसीईआरटी के बुक्स में आपको न्यूटन्स थ्योरी, हाइजेंस थ्योरी डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। आपकी 5 थ्योरीज लाइट के बारे में क्या क्या है, तो पहला थ्योरी है बेटा न्यूटन ने पुटअप किया हुआ, सेकेंड थ्योरी हाइजेंस ने पुटअप की है, नेक्स्ट कौन है बेटा मैक्सवेल, उसके बाद प्लैंक्स, उसके बाद डी ब्रॉगलीज, यानी ऐसे 5 अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज आपको बताए लाइट की। सो न्यूटन ने जो लाइट की थ्योरी बताई थी न्यूटन, इसके हिसाब से लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है, लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर, जिसे उसने कॉर्पस्कुल्स कहा था। हाइजेंस के हिसाब से लाइट इज ए वेव, ठीक है ना। वही मैक्सवेल के हिसाब से लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और बेटा प्लैंक्स के हिसाब से लाइट यानी सोर्स ऑफ लाइट इमिट द क्वांटा, क्वांटा को ही कहते हैं एनर्जी पैकेट, एनर्जी पैकेट, या इसी को कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं बेटा इसको, फोटोन। अब अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली लाइट हैज ए ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर यानी क्या, समटाइम इट एक्ट एज अ वेव, समटाइम इट एक्ट एज अ पार्टिकल, सो इट हैज अ ड्यूअल नेचर इसका लाइट का। सो यहां पे हमने देखा कि लाइट की थ्योरी 5 अलग अलग साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन की, किसी की थ्योरी फेल्यूअर हुई तो किसी की थ्योरी एक्सेप्ट की गई। जैसे न्यूटन की थ्योरी फेल हुई, इसमें मैक्सिमम पॉइंट्स गलत साबित हुए, ठीक है ना। सो न्यूटन ने लाइट के बारे में क्या कहा था, सो न्यूटन ने कहा था कि लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर यानी उस पार्टिकल को क्या कहते हैं, कॉर्पस्कल्स कहते हैं। कॉर्पस्कल काफी स्मॉल साइज के रहते हैं और वो इलास्टिक इन नेचर रहते हैं, ठीक है, ये न्यूटन ने कहा। यह हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद। हाइजेंस के हिसाब से लाइट हैज अ वेव नेचर, सो इसके हिसाब से तो गया कि पार्टिकल हुआ, ये पार्टिकल, यानी न्यूटन ने कह दिया कि लाइट ऐसे जा रही है, ये अपना सोर्स ऑफ लाइट हो गया, ये मैंने बल्ब दिखा दिया सोर्स ऑफ लाइट, सो यहां से लाइट बाहर आ रही है, यानी पार्टिकल बाहर आ रहा है। ये किसने कहा, न्यूटन ने। उस पार्टिकल का नाम क्या है, कॉर्पस्कल्स। और हाइजेंस ने क्या कहा कि लाइट में से निकलती है वेव, ये ऐसे। सो ये हो गया हाइजेंस का कहना। मैक्सवेल के हिसाब से लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी यहां से जो वेव निकलती है वो ऐसे निकलेगी, ये रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। बेटा बराबर समझना है यहां पर, मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना के बताता हूं। ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया, ये हमने वाई एक्सिस ले लिया, ये हमने जेड एक्सिस ले लिया, एक्स वाई जेड एक्सिस। एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट हो रही है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर ऐसे परपेंडिकुलरली वाइब्रेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली वाइब्रेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट हो रही है, सो ये ऐसा रहता, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये क्या तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक फील्ड, सो लाइट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों रहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ साथ एक दूसरे को परपेंडिकुलरली ट्रेवल करते हैं, ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बेटा मैक्सवेल ने क्या कहा, सो मैक्सवेल के हिसाब से लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मींस इट कंटेन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और दोनों एक साथ ट्रेवल करती है, ये आपको मैक्सवेल ने कहा, ठीक है ना। उसके बाद बेटा प्लैंक्स, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये पार्टिकल नेचर को प्रूव करता था, ठीक है ना। सो लाइट इमिट द क्वांटा और एनर्जी पैकेट्स और फोटोन, ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है, और सोर्स ऑफ लाइट से बाहर क्या निकलेंगे, क्वांटा निकलेंगे, फोटोन निकलेंगे और एनर्जी पैकेट्स उसमें से बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो ये कहा था आपने प्लैंक्स ने। इसके बाद डी ब्रॉगलीज,
बेटा डी ब्रोगलीज ने एक चीज कहा कि इसमें से दो साइंटिस्ट कह रहे हैं, इसमें से दो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर और दो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि लाइट हैज अ वेव नेचर। इन दोनों ने वेव नेचर बताया, इन दोनों ने पार्टिकल नेचर बताया। तो डी ब्रोगलीज ने होशियारी की और डी ब्रोगलीज ने बता दिया कि लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर यानी क्या, लाइट सोर्स ऑफ लाइट इमिट द वेव एज वेल एज पार्टिकल, मीन्स लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर मीन्स समटाइम लाइट एक्ट एज अ वेव, समटाइम लाइट एक्ट एज अ पार्टिकल, ठीक है। सो इट हैज अ ड्यूअल नेचर। अब बेटा हर एक चीज को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। एनसीईआरटी के बुक्स में न्यूटन्स थ्योरी में क्या क्या दिया हुआ है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। सो बेटा पहला पॉइंट ले लिया मैंने न्यूटन थ्योरी। अब न्यूटन थ्योरी के पॉइंट्स देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है। सो सोर्स ऑफ लाइट इमिट द पार्टिकल्स, सोर्स ऑफ लाइट क्या इमिट करता है, पार्टिकल्स। ये किसने कहा, न्यूटन ने कहा। सो दिस पार्टिकल्स आर नोन एज अ कॉर्पस्कल्स। तो पहला पॉइंट याद रखना कि सोर्स ऑफ लाइट इमिट द पार्टिकल, दिस पार्टिकल्स आर नोन एज अ कॉर्पस्कल्स। पॉइंट नंबर टू बेटा, कॉर्पस्कल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, कॉर्पस्कल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं ड्यू टू इट्स हाई वेलोसिटी, ठीक है। हाई वेलोसिटी की वजह से कॉर्पस्कल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री, व्हेन कॉर्पस्कल एंटर आवर आईज, जब कॉर्पस्कल्स हमारे आंखों में एंटर होते हैं देन वी गेट द सेंसेशन ऑफ लाइट, तब हमें पता चलता है कि लाइट आ चुकी है, ठीक है ना। अब देखना पहला पॉइंट क्या था बेटा, सोर्स ऑफ लाइट इमिट द पार्टिकल्स, दिस पार्टिकल्स आर नोन एज कॉर्पस्कल्स, कॉर्पस्कल्स आर स्मॉल इन साइज, टाइनी टाइनी पार्टिकल्स, कॉर्पस्कल्स आर इलास्टिक इन नेचर, वो इलास्टिक नेचर के होते हैं इसलिए रिफ्लेक्ट होते हैं, ऐसे बाउंस होते हैं, पार्टिकल का इलास्टिक नेचर उस वजह से वो बाउंस होता है ऐसा, ठीक है ना। पार्टिकल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन ड्यू टू इट्स हाई वेलोसिटी, व्हेन पार्टिकल एंटर आवर आईज वी गेट दिस सेंसेशन ऑफ लाइट। बेटा पॉइंट नंबर फोर, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट साइजेस ऑफ कॉर्पस्कल्स, समझो कि ये साइज छोटा है, ये साइज बड़ा है, ये साइज मीडियम है, ऐसे। सो ये अलग कलर होगा, वायलेट ब्लू रेड ऐसे। सो डिफरेंट कलर्स आर ड्यू टू डिफरेंट साइजेस ऑफ कॉर्पस्कल्स, जैसे वी आई बी डी वाई ओ आर, ये आपका कलर का सीक्वेंस होता है। सो अलग अलग कलर्स आपको मिलेंगे ड्यू टू डिफरेंट साइजेस ऑफ कॉर्पस्कल्स, कॉर्पस्कल्स के अलग अलग साइज की वजह से, ये न्यूटन का कहना है। न्यूटन वॉज एबल टू एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो बताया लेकिन साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बता नहीं पाया। अब जब आप वॉटर के अंदर, जब आपने पानी के अंदर देखा, सो जब आप पानी के अंदर देखते हो तो आपका फेस आपको नजर आता और साथ ही साथ आपको पानी का बॉटम भी नजर आता, जैसे वॉटर है, ठीक है ना। सो ये वॉटर का बॉटम हो गया, सो वॉटर का बॉटम भी आप देख पाते हो और साथ ही साथ कभी कभी आपको अपना फेस भी पानी के अंदर दिखाई देता। तो पानी के अंदर आपको अपना फेस भी रिफ्लेक्ट हो रहा और साथ ही साथ आपको पानी का बॉटम भी दिखाई दे रहा है। सो दोनों दिखाई दे रहा है, यानी क्या हुआ, साइमल्टेनियसली लाइट रिफ्लेक्ट भी हो रही और रिफ्रैक्ट भी हो रही, क्योंकि आपको अपना खुद का फेस दिखने का मतलब हुआ कि लाइट रिफ्लेक्ट होके आपके पास आई और कुछ लाइट अंदर रिफ्रैक्ट होके भी वापस आई, ठीक है ना। सो साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों भी एट अ टाइम कैसे होता है ये न्यूटन आपको एक्सप्लेन करके नहीं बता पाया। न्यूटन वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन दी इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन, ये चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। न्यूटन ने और एक चीज गलत की थी कि रिफ्लेक्शन बताने के लिए, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन बताने के लिए उन्होंने ये कहा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम
इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। सो न्यूटन के हिसाब से लाइट अगर वाटर में ट्रेवल कर रही है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, और अगर वो एयर में ट्रेवल कर रही तो उसकी वेलोसिटी कम है। सो ये पॉइंट न्यूटन का गलत हुआ, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। एयर में वेलोसिटी ज्यादा रहती है और वाटर में वेलोसिटी कम रहती, बट न्यूटन ने ये पॉइंट गलत कह दिया था, ठीक है ना। उसने डेंसर में वेलोसिटी ज्यादा बता दिया था, ठीक है। तो ये न्यूटन के कुछ पॉइंट्स थे, तो एक बार आप न्यूटन के पॉइंट्स देख लो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर। दिस पार्टिकल्स आर नोन एज कार्पस्कुल्स। कार्पस्कुल्स ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन ड्यू टू इट्स हाई वेलोसिटी। कार्पस्कुल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। दे आर परफेक्टली इलास्टिक एंड रिजिड पार्टिकल्स, ताकि वो रिफ्लेक्ट हो सके, बाउंस हो सके, ठीक है। बाद में डिफरेंट कलर्स जो मिलते हैं वो ड्यू टू डिफरेंट साइजेस ऑफ कार्पस्कुल। कार्पस्कुल का अलग अलग साइज, अलग अलग कलर आपको देगा, ठीक है। व्हेन कार्पस्कुल एंटर आवर आईज वी गेट द सेंसेशन ऑफ लाइट। बट न्यूटन ने क्या कह दिया था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर, जो उसका गलत हुआ था। न्यूटन क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। साथ ही साथ न्यूटन ने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सभी चीजें न्यूटन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है बेटा। ये था आपका न्यूटन थ्योरी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं हाइजेंस थ्योरी। हाइजेंस थ्योरी, सो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस, सोर्स ऑफ लाइट यानी बल्ब हो गया आपका, सोर्स ऑफ लाइट इमिट द वेव, ठीक है ना। और वेव की वेलोसिटी कितनी रहती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। हाइजेंस के पॉइंट्स भी काफी हद तक सही थे कि लाइट हैज अ वेव नेचर, पहला पॉइंट। उसके बाद लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन ड्यू टू इट्स हाई वेलोसिटी, जैसे न्यूटन ने कहा वैसे इसने भी कहा कि लाइट की हाई वेलोसिटी होती है इसलिए ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये भी उसने सही कहा। व्हेन द वेव्स एंटर आवर आईज वी गेट द सेंसेशन ऑफ लाइट, यानी जब वेव हमारी आंखों में आती है तब हमें सेंस होता है लाइट का, ठीक है। अब इसने ये कहा था कि जैसे ये छोटी वेव है, इसकी वेवलेंथ कम है, तो ये वायलेट कलर बताएगा, वी आई बी जी वाई ओ आर। सो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस, डिफरेंट कलर्स आर ड्यू टू डिफरेंट साइजेस ऑफ वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ का साइज बड़ा रहा तो वो रेड कलर बताएगा, अगर वेवलेंथ का साइज छोटा रहा तो वो वायलेट कलर बताएगा। सो अलग अलग कलर्स आपको मिलते हैं ड्यू टू डिफरेंट साइजेस ऑफ वेवलेंथ, और वी आई बी जी वाई ओ आर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, क्लियर है बेटा। इसके बाद हाइजेंस का कौन सा पॉइंट गलत हुआ। हाइजेंस ने कहा कि यूनिवर्स में ल्यूमिनिफेरस इथर नाम का मटेरियल सभी तरफ फैला हुआ है, लाइट ल्यूमिनिफेरस इथर की वजह से ही ट्रैवल कर पाती है, ये उन्होंने कहा। अब ल्यूमिनिफेरस इथर प्रैक्टिकली कभी भी मिला नहीं, जो उसका गलत पॉइंट हुआ था। किसी भी चीज को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम की जरूरत होती है, किसी भी चीज को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम की जरूरत होती है, ऐसा हाइजेंस का मानना था। तो हाइजेंस ने यह कहा कि लाइट ट्रैवल होती है ड्यू टू द ल्यूमिनिफेरस इथर, एंड ल्यूमिनिफेरस इथर यूनिवर्स में सभी तरफ प्रेजेंट है और उसके वजह से लाइट ट्रैवल करती है, जबकि प्रैक्टिकली ल्यूमिनिफेरस इथर कभी भी नहीं ढूंढने में आया, तो उस वजह से हाइजेंस का यह पॉइंट गलत हुआ। लेकिन हाइजेंस का यह पॉइंट सही था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम, ये उसने कहा जो सही था। डेंसर में स्पीड कम होती है, रेयरर में स्पीड ज्यादा होती है लाइट, क्लियर।
सो ये था आपका हाइजेंस थ्योरी। मैक्सवेल का आपको पता है अभी बेटा, मैक्सवेल के हिसाब से लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी क्या, इट कंटेन द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे होगी आपकी, ठीक है ना, सो आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे और ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। लाइट ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। यूनिवर्स में ये सबसे हाईएस्ट स्पीड है, ठीक है ना। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में थोड़ा सा देख लेते। ये हमने सोर्स ऑफ लाइट लिया, बेटा सोर्स ऑफ लाइट इमिट द एनर्जी पैकेट्स। जैसे मैंने ये एनर्जी पैकेट्स बनाए, ये हो गए एनर्जी पैकेट्स। सो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, प्लैंक्स के हिसाब से सोर्स ऑफ लाइट इमिट द एनर्जी पैकेट्स और क्वांटा और फोटोन, इसी को आप कहोगे फोटोन, इसी को आप कहोगे क्वांटा, इसी को आप कहोगे एनर्जी पैकेट, ठीक है बेटा। अब ये एनर्जी पैकेट यानी इसके पास कुछ एनर्जी होगी, सो एनर्जी रहती है एच इंटू न्यू। सो एक फोटोन के पास एनर्जी रहेगी एच इंटू न्यू, एच यानी क्या, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। सो ये प्लैंक्स ने जो कॉन्स्टेंट दिया वो यानी एच, वो होता है 6.63×10⁻¹⁴ जूल सेकंड। सो ये हो गया आपका कॉन्स्टेंट की वैल्यू। और बेटा न्यू स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी जनरली 10⁴ हर्ट्ज के रेंज में रहती है। ये फ्रीक्वेंसी काफी हाई है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू प्लैंक लाइट इमिट द एनर्जी पैकेट्स और क्वांटा और फोटॉन्स। ईच फोटॉन हैज एनर्जी एच न्यू और एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। एच यानी क्या, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, सी यानी क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लैम्डा यानी क्या, वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्लियर। ये और बेटा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और जो डी ब्रॉगलीस था, सो डी ब्रॉगलीस, सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली लाइट हैज ए ड्यूअल नेचर। यानी ये ड्यूअल नेचर यानी आप यहां पे भी देख सकते हो, जैसे क्वांटा बनाया था उसी तरीके से बनाया, यानी वेव नेचर भी दिखाया और एनर्जी का पैकेट भी दिखाया। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली लाइट हैज अ वेव नेचर एज वेल एज इट हैज पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो समटाइम इट एक्ट एज अ वेव एंड समटाइम इट एक्ट एज अ पार्टिकल, ये आपको डी ब्रॉगलीस ने कहा। और बाद में उसने डी ब्रॉगलीस वेवलेंथ का फॉर्मूला भी दिया, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, पी के जगह पर मास इनटू वेलोसिटी। ये सब अलग चीजें है फिर, ठीक है। लाइट के बारे में आज हम लोगों ने इतने 5 थियरीज के बारे में पढ़ा, ठीक है बेटा। एनसीईआरटी में ये सब चीजें कवर की हुई है और इनके बेस पे जेईई मेन और नीट में क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए हर एक साइंटिस्ट ने क्या क्या कहा था वो पॉइंट्स आप बराबर रिवाइज करना। ओके बेटा, बाय।